स्वागत है आप सभी का हमारे लेसन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा जो इससे पहले का वीडियो है जिसमें हम लोग 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2020 तक के करंट अफेयर्स देखे थे, वो वीडियो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। तो जो ये वीडियो है ये है हमारा दूसरा पार्ट। ओके, पहला पार्ट ऑलरेडी आप लेसन कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स के सेक्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वाला वीडियो। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है कर्नाटक राज्य के। कर्नाटक राज्य के में पहले अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। जी हाँ, पहले अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? कर्नाटक राज्य में। वहां पर ये सिखाया जाएगा कि अंतरिक्ष में कैसे रहना है, जैसे कि चंद्रमा पर ग्रेविटी नहीं होती है, लोग हवा में तैर रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में लोग या कोई भी किस तरह से वहां पर निर्वाह करेगा। तो उस तरह का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खुला है? कर्नाटक राज्य में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पी मंगेश चंद्रन, जी हाँ, पी मंगेश चंद्रन खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड के हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है। पी मंगेश चंद्रन इंग्लैंड के हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है। थर्ड क्वेश्चन है, 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य के पूर्व राज्यपाल त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी, कर्नाटक राज्य के पूर्व राज्यपाल, जी हाँ, त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी का हाल ही में नोएडा के कैलाश अस्पताल में निधन हो गया है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बना। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो भी भूमि रिकॉर्ड है वो भूमि रिकॉर्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से के वेब पोर्टल में एकीकृत जोड़ने वाला वो पहला राज्य कौन बन गया? हमारा महाराष्ट्र बन गया है। अगला देखते हैं, बांग्लादेश। जी हाँ, ये अगला क्वेश्चन हमारे भारत के पड़ोसी देश, पूर्वी पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश ने हाल ही में अपने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। बोइंग 737-800 विमान ईरान में क्रैश हुआ। अगला देखते हैं, गोरखपुर। जी हाँ, गोरखपुर यूपी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाक उल्लाह, जी नाम याद रखिएगा, शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम से चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है और जिसकी लागत है 234 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है और ये बनेगी कहां पर? गोरखपुर में। आइए अगला देखते हैं, पुणे। पुणे में 5वें एशियाई प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसाधन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पुणे में 5वें एशिया प्रशांत अनुसाधन ड्रोसोफिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अगला देखते हैं, जी हाँ, नई दिल्ली, हमारा भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने किसान नवोमेश, यहाँ आप देख सकते हैं, किसान नवोमेश कोष स्थापना की घोषणा की। किसान नवोमेश स्थापना की घोषणा किसने की है? कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी अगर चाहें तो ले सकते हैं। आइए अब आगे का देखते हैं सारा करंट अफेयर। अगला है हमारा पी एच पांडियन तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष
और अन्ना मुद्रक के वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया। जी हाँ, एक ही सवाल निधन से है। तमिलनाडु के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अन्ना मुद्रक के वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम क्या है, PH पांडेयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष कोष, विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष कोष केंद्र की स्थापना की है। बाल नवोन्मेष कोष केंद्र की स्थापना किसने की है? गुजरात सरकार ने। नाम क्या है उसका? विक्रम साराभाई। अगला देखते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये SSC के सभी SSC एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डेट्स उसमें अक्सर पूछी जाती है, तो इसको याद रखें, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। अगला देखते हैं जसविंदर बिलान। जी हाँ, जसविंदर बिलान भारतीय मूल की लेखिका को हाल ही में UK चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी हाँ, जसविंदर बिलान भारतीय मूल की लेखिका को, जसविंदर बिलान जो कि भारतीय मूल की लेखिका है, उनको हाल ही में किससे नवाजा गया है? UK के चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं नरेंद्र मोदी को फोर्ब्स पत्रिका 20 People to Watch 2020। नरेंद्र मोदी की को फोर्ब्स पत्रिका जो हर साल निकालती है, जिसमें 20 लोग उस साल की सूची में आते हैं, इस साल नरेंद्र मोदी ने यह स्थान खो दिया है। फोर्ब्स की पत्रिका 20 People to Watch 2020 की सूची में जगह नहीं मिली है। अगला देखते हैं 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। आइए अगला देखते हैं अम्मा वोडी योजना। जी हाँ, ये हमारा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर है, सभी स्टेट थीसिस में ये बहुत काम आएगा। अम्मा वोडी योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य में हुई। अम्मा वोडी योजना की कहाँ शुरुआत हुई है? कर्नाटक राज्य में। अगला देखते हैं भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण कब दिखाई देगा? 10 जनवरी को दिखाई देगा। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला चंद्र ग्रहण 2020 का कब लगा, और आपको ऑप्शन दे देंगे 4, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 11 जनवरी और 13 जनवरी। आपको टिक करना है 10 जनवरी पे। ये अगला देखते हैं शाबाश मिट्ठू। शाबाश मिट्ठू किसकी बायोपिक है? शाबाश मिट्ठू मिताली राज, जो कि हमारे भारत की बहुत अच्छी स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं मिताली राज। तो उनके ऊपर कौन सी फिल्म बनी है? शाबाश मिट्ठू मिताली राज की बायोपिक है। तो होपफुली गाइस, हमने 6 तारीख से लेकर 11 तारीख 2020 तक सारा करंट अफेयर खत्म कर दिया है। इसके 6 से लेकर 11 जनवरी तक का हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। पहला वीडियो आप लोगों के पास मिल पहुंच चुका है, ये दूसरा वीडियो। इसी तरीके से सभी वीडियोस के वीकली करंट अफेयर के सीरीज आपको मिलते रहेंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उन सभी के भी सारे वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें आपको रट्टा ना मार करके एक बार सुन के और समझ के लंबे समय तक याद रह सके, उस तरह की वीडियोस आपको लेसन कॉन्सेप्ट चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका लेसन चैनल लेसन कॉन्सेप्ट पर आने के लिए। अब हम जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।